हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में? किसके बारे में पढ़ेंगे? री की मात्रा पढ़ेंगे, उसका चैप्टर पढ़ेंगे ऋषि ऋतिक। क्या? ऋषि ऋतिक। ओके, ऋषि ऋतिक। एक नदी थी, उस नदी का नाम कृष्णा था। क्या था बच्चों नदी का नाम? कृष्णा। वहाँ एक कुटिया भी थी। वहाँ पे क्या थी? कुटिया। कुटिया थी एक। हो गया, समझे? एक नदी थी, नदी का नाम क्या था? कृष्णा नदी। देखो कृष्णा, मैं तुम्हें पढ़ाई थी वार पढ़ाने के टाइम में, री की मात्रा हम पढ़ रहे हैं। क में री की मात्रा क्री, स का आधा, ण में आ की मात्रा, क्या होता है? कृष्णा। ओके, नदी का नाम क्या था? कृष्णा। वहाँ एक कुटिया थी, वह कुटिया ऋषि ऋतिक की थी। और नदी कृष्णा नदी के पास क्या था? एक कुटिया था। बच्चों ऋषि लोग कुटिया में रहते हैं, एक छोटा सा कुटिया था, और कुटिया में कौन रहते थे? ऋषि ऋतिक रहते थे। कुटिया किसका था बच्चों? हाँ देखो, साथ ही कृषि की भूमि भी थी। उसके पास कौन सा क्या था? क्या भूमि था बच्चों? कृषि भूमि था। क्या भूमि था? कृषि भूमि। देखो क में री की मात्रा क्री, में छोटी ई, कृषि। कृषि मतलब क्या की? ओके बच्चों, कृषि क में री की मात्रा क्री, मुद्न्योसो में छोटी ई, सी। क्या होता है? कृषि। कृषि मतलब क्या? एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर मतलब क्या? जो चास वास करते हैं। हाँ, चास वास कौन करता है? फार्मर लोग करते हैं। फार्मर करते हैं, कृषक जिसको बोलते हैं ना। तो वो कुटिया के पास क्या था? एक कृषि भूमि भी था। क्या था? कृषि भूमि भी था। हो गया, कृषक कृषि करता था। कौन कृषि करता था? कृषक। कौन? कृषक मतलब क्या? हम इंग्लिश में भी पढ़े हैं फार्मर, ग्रोस, क्रॉप, क्रॉप बोलते हैं, है ना। फसल कौन उगाता है कि? फार्मर। तो फार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कृषक। क्या बोलते हैं? कृषक। हाँ, वह परिश्रम कर अनाज उगाता था। क्या? परिश्रम करके कृषक क्या कर रहा था? अनाज उगा रहा था। समझ गए ना? क्या उगा रहा था? अनाज। अनाज मतलब क्या? क्रॉप जो बोलते हो, क्रॉप खाना। हमारे लिए कौन खाना उगाता है कि? फार्मर। फार्मर को क्या बोलते हैं? कृषक। क्या बोलते हैं? कृषक। खाना कौन उगाते थे? कौन उगाते हैं? कृषक। हो गया, तो कृषि भूमि में कौन चास वास, कृषि कौन कर रहा था? कृषक। वो परिश्रम करके क्या कर रहा था? खाना उगा रहा था। ओके, अनाज। वहाँ हर दिन मृग आता था, मृग घास खाता था और आराम करता था। देखो ये भूमि में, देखो एक छोटा सा, देखो ये नदी है। नदी कौन सा नदी? नदी का नाम क्या है कि? कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के पास ऋषि, ऋषि का कुटिया है। हाँ, ये एक, ये ऋषि का नाम क्या है? बोलो बोलो, याद करो। ऋतिक। क्या है ऋषि का नाम? ऋतिक है। हो गया, और यहाँ पे देखो कृषक फसल उगा रहा है, अनाज उगा रहा है। कौन है ये? कृषक। कृषक क्या कर रहा है? अनाज उगा रहा है। और यहाँ पे देखो, एक दिन हर दिन एक मृग आ रहा था। क्या? मृग। मृग मतलब क्या? हिरण जो होता है ना, मृग आता था और ये खाना, वहाँ पे घास खा रहा था और आराम कर रहा था। समझे? अभी क्वेश्चन आंसर बोलो। नदी का नाम क्या था? कृष्णा था। हो गया, कौन सा ऋषि रहते थे उस कृष्णा नदी के पास कुटिया में? बोलो, ऋतिक ऋषि ना। वो क्या करके, सॉरी, उसके पास एक डेक्स भूमि था। क्या भूमि था कि? अरे गधे, क्या भूमि था? डेक्स में क्या लिखोगे? क्या भूमि था कि? बोलो तो। जंगल था, कृषि भूमि था कि समतल था? हाँ, कृषि भूमि था। कृषि भूमि में कौन फसल उगा रहे थे? कौन? बोलो बोलो। कृषक। गुड। कौन? कृषक। वहाँ हर दिन एक क्या आ रहा था? शेर आता था कि हिरण आता था? हाँ, मृग आ रहा था ना। क्या आ रहा था? मृग।
कि शेर आ रहा था? शेर आ रहा था क्या? नो मैम। ठीक है। वो कुटिया में कौन रहते थे? चाचा, मामा की ऋषि? ऋषि। ठीक है। अनाज कौन उगा रहे थे? कृषक की ऋषि? कृषक। कृषक कौन? कृषक। हाँ, तो ये समझ में आ गया? यस।